तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक कोड, आज हम उसको ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने आपका जितने भी कोडोन है 64 कोडोन उनके बारे में बात की थी, जो किसको कोड करते हैं, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। हमने लास्ट टाइम ये भी बात की थी कि जो कोडोन होता है वो कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, मतलब वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और इस पे बहुत टाइम तक बहस चली है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने इस पे काफी काम किया है, क्योंकि एमआरएनए के पास कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 4 होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि अगर 1 नाइट्रोजनस बेस 1 सिंगल अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल नेचर में कितने अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड है, तो बाकी के 16 को फिर कौन कोड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फिर अगर मान लेते हैं कि कोडोन क्या होता है, अगर हमारे पास आपका डबलेट होता है तो डबलेट में भी कितने केस बनते हैं, उस समय बनते हैं 16 केस, लेकिन अमाइनो एसिड तो 20 है। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं जेनेटिक कोड हमारा ट्रिपलेट होता है, कोडोन ट्रिपलेट है, तो यहाँ पे 64 केस बनते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसका मतलब क्या है कि कोडोन हमारा ट्रिपलेट ही होता है। अभी भी ऐसे पता नहीं चल गया कि नहीं, बस उन्होंने कहा कि चलो सिंगलेट नहीं है, डबलेट नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, मतलब तो इसका मतलब ट्रिपलेट ही होगा। इस पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, इन्वेस्टिगेशन से एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो कोडोन होता है वो ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है जो एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करता है। आई होप आपको ये कोडोन लर्न हो गए होंगे। इसके बाद कुछ यहाँ पे कुछ थ्योरी भी है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन एक काम करते हैं इसको दोबारा बना लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बहुत सारे म्यूटेशन केस करने हैं। तो म्यूटेशन केस करने के लिए आपको ये टेबल आना चाहिए। वसीमता, अब पता नहीं आपके पास अभी कॉपी पेन होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक बार हम इसको दोबारा ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं उसको बाद भी नोट करूँ वहाँ पे। ऐसे तो आपको लर्न हो ही गया है, लेकिन इसको तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये लर्न होगा। तो एक बार इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं आरएनए के पास? आरएनए के पास होता है यू सी ए जी। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी यू सी जी लिखना है, टॉप पर भी लिखना है यू सी ए जी, एंड हमें यहाँ पे राइट पे भी लिखना है और यहाँ पे हर एक बॉक्स में लिखना है यू सी ए जी। यहाँ पर भी सेम वही लिखना है U C A G। इसके बाद U C A G, लास्ट में U C A G। तो अगर से इनका पॉसिबल है प्लीज आप भी इसको ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा था कि फर्स्ट लेटर ये वाला होता है, फर्स्ट लेटर ये है, सेकंड ऊपर वाला है और थर्ड ये वाला है। तो फर्स्ट लेटर ये वाला यू यहाँ पे आ गया, सेकंड वाला ऊपर वाला यू, एंड थर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, यू लिखा है। उसके बाद दोबारा फर्स्ट लेटर ये वाला यू, सेकंड लेटर ऊपर या ऊपर वाला यू, एंड थर्ड यहाँ पे अब क्या है, सी है। तो यहाँ पे कर देंगे हम सी, देन फर्स्ट लेटर यू, ऊपर वाला यू, और यहाँ पे आ जाएगा ए। लास्ट में फर्स्ट यू, ऊपर वाला यू, और लास्ट में यहाँ पे क्या है, जी है। इसी तरीके से हमें सारे बॉक्स को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो उनको फिल कर लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सी आएगा, ऊपर वाला यू, और यहाँ पे आ जाएगा यू, देन सी यू, और यहाँ पे आ जाएगा सी, सी यू ए एंड सी यू जी। Then A U
A U A U A U, then UCAG, इसके बाद GU 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 GU, then UCAG, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लेटर U, सेकंड लेटर C एंड यहाँ पे U, then UC UC UC, then UCAG, यहाँ पे ये वाला सॉरी यहाँ पे U A U A U A U A, then UCAG, इसके बाद UG 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 UG, then UCAG, इसको भी उसके बाद नेक्स्ट वाला इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये C C C C C C C, then UCAG, आगे वाला ये वाला C, then ऊपर A, CA CA CA, then UCAG, ये वाला C यहाँ पे ऊपर का G, then CG CG CG, then UCAG, इसके बाद यहाँ पे A है, ऊपर ऊपर C है, तो AC AC AC, और यहाँ पे UCAG, यहाँ पे AA 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 AA, then UCAG, यहाँ पे A, यहाँ पर ऊपर वाला G, तो AG AG AG, then UCAG, लास्ट में हमारा ये वाला रह गया है G GC 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 GC, then UCAG, यहाँ पे GA 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 GA, UCAG, लास्ट में GG 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 GG, और UCAG, सॉरी जी आएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे बन गए सारे पॉसिबल केस कोडोन के। अगर हमारा कोडोन क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे टोटल कितने केस बनते हैं, 64। अब यहाँ पे वो कर लेते हैं कि कौन कौन से ये कोडोन हमारे कौन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस वाले की, तो ये किसको कोड कर रहा था, ये चारों के चारों कोडोन किसको कोड करते हैं, ये कोड करते हैं सीरीन को। ये वाला पूरा बॉक्स, ये वाला पूरा कोड करता है प्रोलीन को। ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये वाला बॉक्स कोड करता है थ्रियोनिन को, और ये कोड करता है पूरा का पूरा एलानिन को। इसके बाद इसके साथ वाला ये वाला कोड करता है पूरा वैलिन को, ये वाला जीजी वाला पूरा कोड करता है ग्लाइसिन को, ये सीजी सीजी वाला ये पूरा कोड करता है हमारे पास आपका आर्जिनिन को। आर्जिन के बाद प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, आर्जिन से नीचे यहाँ पे इसके टू टू के बॉक्स बना लो, ठीक है। एजीयू एजीसी कोड करते हैं सीरीन को, और उसके बाद ही एजीए एसीजी ये दोबारा कोड करते हैं आर्जिनिन को, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एयूजी किसको कोड करता है, ये अकेला ऐसा कोडोन है जो ओनली मिथियोनिन को कोड करता है, मिथियोनिन को, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास यूजीजी, ये भी खाली एक ऐसा कोडोन है जो किसको कोड करता है, ट्रिप्टोफैन को। इसके बाद हमें ये वाला ध्यान देना है कि यू 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 सी, ये दोनों किसको कोड करते हैं, ये कोड करते हैं फिनाइल एलानिन को, जो कैसा अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। इसके बाद आप इस यू 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 से लाइन लगा लो, ये पूरा बॉक्स ये पूरा कोड करता है ल्यूसिन को। ध्यान रखना ल्यूसिन अलग है, लाइसिन अलग है, ये ल्यूसिन को कोड करता है। इसके बाद ये एयूसी, ये बचे हुए ये है आइसो ल्यूसिन। अब अगर हम बात करते हैं तो ये यू ए ए यू
जीए और यूएजी, ये तीनों किसको कोड करते हैं, ये होते हैं स्टॉप कोडोन होते हैं, मतलब किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए से हम टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं। इसके बाद ये यूजीयू और यूजीसी, ये दोनों कोड करते हैं सिस्टीन को, एंड यूएयू यूएसी दोनों कोड करते हैं टायरोसिन को। अब इसके बाद लास्ट वाला बॉक्स बचा, इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो दो के पेयर बनाने, ठीक है। सबसे ऊपर वाला ये किसको कोड करता है, हिस्टिडीन को। इसके बाद ये दोनों कोड करते हैं ग्लूटामिन को। इसके बाद ये कोड करता है एस्पाराजिन को। ये कोड करता है लाइसिन को। ये वाला कोड करता है एस्पारेटिक एसिड को, एस्पारेटिक एसिड। और लास्ट वाला ये दोनों कोड करते हैं ग्लूटामिक एसिड को। तो ये हम ऐसे लास्ट क्लास में कर चुके थे, और आई होप आपको लर्न भी हो गए होंगे। लर्न हो गए सारे? ये बीच वाला बच गया, हमें याद नहीं है, लिखो फिर हम याद करके लिख लेंगे। असीमता आपको भी लर्न हो गए, ये पूरा बॉक्स लर्न हो गया है या कुछ कुछ पोर्शन रहता है अभी? याद है, चलो अच्छी बात है। अब जो आपने यहाँ पे कोडोन देखे हैं असीमता, इसको देखकर ही अभी हमें यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है कि जेनेटिक जो कोडोन होता है, कोड होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, नोट कर लिया? ओके। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले यहीं से देख लेते हैं, यहीं से ऐसे हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, एक मिनट। जैसे सबसे पहला जो जो भी मुझे याद है बाकी इसको देख, अगर आप इस पूरे चार्ट में देखो तो हमारे पास ए यू जी एक सिंगल कोडोन है जो मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। इसके अलावा मिथ्योनिन को कोड करने वाला कोई भी कोडोन नहीं है। एयूजी ही एक ऐसा कोडोन है जो किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। समझ आ रहा है आपको? और इस चीज का ध्यान रखना, ये जो मिथ्योनिन है जब ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो हमेशा जहां पर एयूजी होता है ना वहीं से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, इसीलिए एयूजी को हम स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, इसको स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं और इसको हम इनिशिएटिंग कोडोन भी बोलते हैं। इनिशिएटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन यहीं से ही इनिशिएट होती है, यहीं से ही स्टार्ट होती है। तो एयूजी के यहाँ पे दो दो फंक्शन है, एक तो ये ट्रांसलेशन को मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करवा रहा है, और सेकंड ये अमाइनो एसिड को भी कोड कर रहा है, दैट इज मिथ्योनिन। तो आप देखिए यहां पे इसके ड्यूल फंक्शन है, पहला अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है और सेकंड ट्रांसलेशन को भी स्टार्ट करवाता है, इसीलिए इसको स्टार्ट कोडोन, उसको इनिशिएटिंग कोडोन बोलते हैं। इसके अलावा आप यूजीजी देख सकते हो, ये भी एक ऐसा कोडोन है जो ओनली ट्रिप्टोफैन को ही कोड करता है, मतलब कहने का मतलब ट्रिप्टोफैन ओनली यूजीजी से ही कोड होता है, बाकी कोई भी कोडोन ट्रिप्टोफैन को कोड नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांसलेशन यहाँ पे कैसे स्टार्ट हो रही है, कौन सा ऐसा कोडोन है, मतलब कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको ओनली सिंगल कोडोन ही कोड करता है। अब यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, कि जो कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। ध्यान रखना सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिसिटी पे है। सारे पॉइंट हम बाद में लिखेंगे, लेकिन जस्ट ओनली इसको देखे समझ लेते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब एग्जांपल के तौर पे ये मान लेते हैं यूसीयू। अब ये जैसे यूसीयू है तो यूसीयू हमेशा सीरीन को ही कोड करेगा, सीरीन अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। यूसीयू कभी भी टायरोसिन को, फिनाइलएलानिन को, ल्यूसिन को, प्रोलिन को, किसी को भी कोड नहीं करने वाला है। तो जितने भी कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, स्पेसिफिक। तो इनकी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी होती है,
इसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, हम बोलते हैं अनएम्बिजियस होता है हमारा कोडोन, मतलब स्पेसिफिक होता है नेचर में, समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजनरेसी। अब ये डीजनरेसी क्या होता है, डीजनरेसी का मतलब ये क्या है कि मल्टीपल कोडोन सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे आप ये देखो यूसीयू, यूसीसी, यूसीए, यूसीजी एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल कोडोन हो गए ना जो एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो आप एजीयू, एजीसी, या आप सेकंड एग्जांपल इसका ही ले लो, थ्री ओ ले लो, एक या किसी का भी ले लो, जैसे एसीयू है, एसीसी है, एसीए हो गया, एसीजी हो गया, इतने सारे कोडोन ओनली सिंगल अमाइनो से थ्री ओनिन को कोड कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजनरेसी। ये कोडोन क्या होता है, डीजनरेट होता है नीचे, समझ आ गया। तो स्पेसिफिसिटी के लिए वर्ड यूज करते हैं अनएम्बिजियस और मतलब मल्टीपल कोडोन सिंगल अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डीजनरेसी का। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा कोडोन होता है ये क्या होता है, कॉमा लेस होता है। कॉमा लेस का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाऊं कि हम अगर यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लेते हैं जी सी ए जी यू ए सी जी, तो ऐसा नहीं होगा कि हम इसको जी सी ए जी यू ए और सी जी ए इस तरीके से रीड करें। अगर किसी ना किसी रीजन की वजह से मान लेते हैं कि ए यहाँ पे कट हो गया, तो हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगता है कि हम इसको इस तरीके पढ़ेंगे जी सी जी ए जी यू ए। अगर मान लेते हैं किसी ना किसी वजह से यहाँ पे कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस ऐड हो गया है या फिर डिलीट हो गया, तो ये जी सी ए आगे फिर जो आगे वाला नाइट्रोजनस बेस होगा ना उसको रीड करेंगे वहां पे, यहाँ पे कॉमा नहीं लगता है। समझ में आ रहा है आपको कॉमा लेस का मतलब, ये कॉमा लेस का मीनिंग समझ में आ रहा है। कॉमा लेस का मीनिंग क्या है, एक मिनट उसको रिमूव करने दो। जैसे हमारे पास तीन, चलो ये बना लेते हैं, ए सी जी यू ए जी मान लेते हैं। अब देखो जब हम इसको रीड करते हैं कोडोन, तो कोडोन को हम हमेशा मतलब जेनेटिक कोड को सॉरी, तो हम कैसे रीड करते हैं इसको, हम कॉन्टिन्यूअस फैशन में रीड करते हैं, मतलब ए सी जी यू ए जी, हम कॉमा नहीं लगाएंगे, ए सी जी कॉमा यू ए जी कॉमा, समझ आ रहा आपको, कॉमा लेस होता है, हम इसको कॉन्टिन्यूअस फैशन में ही रीड करने वाले हैं। क्यों, मान लेते हैं किसी किसी रीजन की वजह से ये जी यहां से डिलीट हो गया, तो हम इसको रीड करेंगे फिर क्या बचा, ए सी यू। अब ऐसे नहीं होती है, नहीं जी तो कट हो गया, यहाँ पे तो कॉमा आ गया था, समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पे दो दो प्रॉपर्टीज हमारे पास डिस्कस होती है, एक तो ये जब भी हम जेनेटिक कोड को रीड करते हैं वो कॉन्टिन्यूस फैशन में करते हैं, और ये क्या होता है, कॉमा लेस होता है। इसके अलावा जो हमारा जेनेटिक कोडोन होता है वो क्या होता है, नॉट ओवरलैपिंग होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अब इसके लिए एक स्लाइड और क्रिएट करती हूँ, आप इसको भी ध्यान से समझना। मान लेते हैं ए सी जी यू ए जी ए सी, ये मान लेते हैं। अब देखो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, कि जब यहाँ पे मतलब जो हमारा एमआरएनए का स्ट्रैंड है और ये प्रोटीन बनाएगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो तीन कोडोन आ गए ना वो एक अमाइनो एसिड बनाएंगे, ये अमाइनो एसिड बनाएगा, ये अमाइनो एसिड बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले मान लेते कि हमने पहले इसको कंसिडर किया एसीजी को, एक तो ये वाला हो गया, और बाद में हमने कंसिडर कर लिया सीजीयू को, ये सेकंड हो गया, एंड थर्ड हमने कर लिया जीयूए, समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ओवरलैप नहीं करता है, ऐसे नहीं होगा कि ये सीजी इसके साथ भी आ रहा है और सीजी फिर आगे सीयू के साथ भी आ गया, समझ आया आपको कि नहीं आया। एक बार मैं आपको अच्छे से यहाँ पे डायग्राम भी दिखा दूंगी। तो ये क्या होते हैं, पहली बात तो कॉन्टिन्यूस फैशन में रीड करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, और साथ में कोमा लेस होते हैं, और क्या होते हैं, मल्टीपल कोडोन सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, उसको बोलते हैं डीजनरेसी। लेकिन कोडोन क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं नीचे, डीजनरेसी भले ही है लेकिन जैसे ए ए ये हमेशा लाइसिन को ही कोड करेगा, कभी किसी और अमाइनो एसिड को कोड नहीं करने वाला है। स्टार्ट कोडोन कौन सा है, एयूजी, ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा ट्रांसलेशन को,
और उसके बाद UAA, UAG और UGA, इनको बोलते हैं स्टॉप कोडो। जहां पर भी mRNA पे मिल गए वहीं पर ही क्या हो जाएगा, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, इसीलिए उनको बोलते हैं स्टॉप कोडो, उनको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडो, टर्मिनेट करते हैं किसको, ट्रांसलेशन को। तो अभी तो मेरे माइंड में यही वाली प्रॉपर्टीज आ रही है, एक बार रीड कर लेते हैं, अगर कोई मिस हो गई होगी तो उसको देख लेंगे, एनसीईआरटी ओपन कर लेती हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। एक बार देखो यहाँ पे इसको रीड करते हैं, क्या क्या फीचर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर क्या है, हाँ अब एक चीज और, यहाँ पे टोटल कितने कोडोन है, 64 कोडोन है, आपने देखा ना, ये दोबारा देख लो, ये एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे टोटल कितने कितने कोडोन है, 64 कोडोन है, 64 में से 61 कोडोन ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, और ये तीन कोडोन ये वाले ये ऐसे हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो 61 कोडोन जो कोड करता है इनको बोलते हैं सेंस कोडोन, और जो ये तीन है इनको एंटी सेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो 61 ही क्या है, 64 में से अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखी है, कोडोन की, कोडोन क्या होते हैं, पहली बात तो ट्रिपलेट होता है, ये हमने देख लिया, 61 कोडोन कोड फॉर अमाइनो एसिड एंड 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज अ स्टॉप कोडोन। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्टॉप कोडोन की तरह बिहेव करते हैं। सेकेंड वाला क्या है, सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, प्लीज इस लाइन को काफी अच्छी तरीके से नोट कर लो, कि डीजेनरेसी का मीनिंग क्या होता है, कि कुछ अमाइनो एसिड को मोर देन वन कोडोन, मतलब मल्टीपल कोडोन कोड करते हैं, उसको बोलते हैं डीजेनरेसी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कोडोन इज रीड इन एमआरएनए इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन, मतलब कॉन्टिन्यूअस फैशन में हम इसको रीड करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया ए यू सी जी ए, ऐसे कि हम इसको यहाँ पे स्टॉप तीन के बाद कॉमा लगा के फिर हम इसको रीड करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता है। इसके बाद कोड क्या होता है, नियरली यूनिवर्सल है, मतलब आप किसी की बॉडी से भी एमआरएनए निकालो, बैक्टीरिया की बॉडी से निकालो, प्रोटिस्टा से निकालो, एनिमल से निकालो, प्लांट से निकालो। अब जैसे एयूजी है वो हमेशा मिथ्यूरिन को ही कोड करेगा, या दूसरा मान लेते हैं अभी जीजीजी, ये हमेशा ग्लाइसिन को ही कोड करेगा, तो ये क्या है, यूनिवर्सल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जरूर है, एक्सेप्शन पे हमें नहीं जाना है क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि कोड क्या होता है, नियरली यूनिवर्सल है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया टू ह्यूमन, मतलब प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने यू 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 का, वुड कोड फॉर द फिनाइल एलानिन, लेकिन सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया कोडोन। अब इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा है ना कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनली होती है जो अपना डीएनए कंटेन करती है, तो अगर जो अपना डीएनए कंटेन करेगा उसके पास एबिलिटी होगी कि वो क्या कर सकता है, अपनी प्रोटीन बना सकता है, एमआरएनए बना के प्रोटीन्स बनाएगा। तो हमने कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे कहाँ पे देखी है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के कोडोन में देखी है, और कुछ हमने प्रोटोजोआ के केस में भी देखा है। तो प्लीज इसको नोट कर, कुछ एक्सेप्शन है बट एक्सेप्शन क्या है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसके बाद फिर प्रॉपर्टी देखिए एयूजी क्या है, उसके ड्यूल ड्यूल फंक्शन है, पहला क्या है कि ये किसको कोड करता है, मेट, मेट मतलब मिथ्यूनिन, और प्लीज ध्यान रखना मिथ्यूनिन कैसा अमाइनो एसिड होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, सल्फर को कंटेन करता है, एंड इट आल्सो एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडोन। लास्ट प्रॉपर्टी है यूएए यूएजी यूजीए आर स्टॉप और द टर्मिनेटिंग कोडोन। समझ आ गया आपको सारी प्रॉपर्टीज होगी, असीमता आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लेते हैं, अब आप इसको खुद ही सॉल्व करोगे क्योंकि अभी आपने बॉक्स को बनाई लिया है। वो बोल रहा है इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कोडेड बाय, बताइए इसका आंसर दीजिए।
अगर हमारे mRNA के पास ये सीक्वेंस है AUG, UUU, UUC, UUC, UUUJ, ये वाला है, तो आप बताइए यहाँ पे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहेगा? बताओ ना, मैं पूरा मुझे लिख के बताऊं। आपको पूरा बताना है कितना पर? नहीं, अब तक इस पे क्वेश्चन आया नहीं, ऐसे पे नहीं है। सानिया मुश्किल है, सानिया आस्ते। इजी है, बस आपको वो बॉक्स लॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो AUG है, ये किसको कोड करता है? ये मिथ्यूनिन को कोड करता है। ओमाइनस का सीक्वेंस सबसे पहला कौन सा? मिथ्यूनिन है। और अभी अभी हमने यही बात की थी कि इनिशिएटिंग कोडोन क्या होता है? AUG होता है। उसके बाद ये UUU, ये किसको कोड करता है? ये कोड करता है फिनाइल एलानिन को। UUC, ये भी फिनाइल एलानिन को ही कोड करता है। UUC, ये भी इसको करता है। UUU, ये सारे ही फिनाइल एलानिन को कोड करते हैं। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहेगा? मेट, उसके बाद PHE, 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 अगेन PHE, छह बार PHE की, मतलब फिनाइल एलानिन है। तो यहाँ पे शायद इसका आंसर दिया भी है, ये देखो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पे जो हमारी अमाइनो एसिड जो कोड होगी इस mRNA से, वो क्या है? मेट मतलब मिथ्यूनिन, और फिनाइल एलानिन एलानिन। तो अगर हमारे पास RNA के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको इजीली हम चेंज कर सकते हैं अमाइनो एसिड की फॉर्म में। लेकिन आप एनसीआरटी को आगे क्वेश्चन पूछ रही है, डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन डूइंग द अपोजिट? अगर हमारे पास अगर यहाँ पे ये इस तरह से अमाइनो एसिड दे दे एंड वो बताए आप यहाँ पे हमें आरएनए के पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो बताओ, तो हम कर सकते हैं? वो पॉसिबल है? मान लेते हैं कि देखो ये वाला है ना, हमने एक ही वाला दे दिया कि ये हमारे पास अमाइनो एसिड का सिक्वेंस है। अब आप हमें बताइए कि आरएनए के पास क्या सीक्वेंस था, बताइए, कैसे बताओगे? हाँ ये तो ठीक है, ओके। उसके बाद हम लेकिन फिनाइल एलानिन का देखना पड़ेगा, यूयूयूयूसी, वही कह रहा हूँ, वही तो उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं कर सकते ना। तो वो क्या बोल रहा, डू यू फाइंड, डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द अपोजिट? अगर आपको अपोजिट करना है तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोडोन कोड करता है अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड नहीं कोड करते हैं mRNA। समझ आ रहा है? प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे ये वो बात होगी कि जो फ्लावर के अंदर ओवरी होती है, ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, फ्रूट ओवरी नहीं बनाता है। जैसे कई बार हम वाइस वर्सा कर लेते हैं, नहीं बहुत चीजों को हम ये कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ बट मेजोरिटी ऑफ ऐसा देखा गया है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं बस ये दोनों एक जैसे ही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आरएनए के पास सीक्वेंस होगा वही अमाइनो एसिड बनेगा। तो लेकिन अमाइनो एसिड से हम ये नहीं बता सकते हैं कि वहां पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या था। अब हम यहाँ पे कुछ म्यूटेशन केस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ डेटा है, वो डेटा मुझे आपको बताना है उसमें, क्योंकि नेम्स है कुछ। तो यहाँ पे ये तो सारी बातें वो हैं, ये आप खुद रीड कर लेना कि यहाँ पे जब बहुत टाइम तक मतलब रिसर्च चली कि जो जेनेटिक कोड है वो हमारा कैसा होगा। तो यहाँ पे जस्ट ओनली मैं आपको कुछ यहाँ पे नाम बताना चाहती हूँ साइंटिस्ट के, वो आपको नोट करने हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। एक मिनट वसुंधरा, प्लीज यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम लर्न कर लेना, मतलब जस्ट मैं आपको वो नोट करवा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि हम सबसे पहला हमारा एम क्या था कि हमें बायोकेमिकल नेचर क्या है जेनेटिक मटेरियल का, वो स्टडी करना था। और ये आप सबको पता है कि जो हर्शे और चेस थे, उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज के ऊपर, उन्होंने ही ये चीज निकाली थी कि बायोकेमिकल नेचर क्या होता है जेनेटिक मटेरियल का। तो हमें पता चला था कि वो क्या होता है, हाँ
हाँ रेडियोएक्टिव उन्होंने फॉस्फोरस और सल्फर का यूज किया था। तो हमें पता चला था कि जो बायोकेमिकल नेचर है वो क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन अब हमें डीएनए के बारे में पता चल गया कि बायोकेमिकल नेचर क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब बाद में हमारी एक्साइटेशन किसके लिए होगी कि जो ये डीएनए है ये कैसे डेसिफर कर रहा है जेनेटिक कोड को। डेसिफर क्या होता है, डेसिफर होता है किसी चीज को कन्वर्ट करना या ट्रांसलेट करना। अब हमने कहा कि डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इसके पास प्रोपोजिशन है, वो कैसे डेसिफर हो रही है, कैसे वो कन्वर्ट हो रही है प्रोटीन की फॉर्म में। तो आप खुद सोचो ये बहुत बड़ा टारगेट था, बहुत बड़ा। तो सोचो इसके लिए फिजिक्स भी आ गए, फिजिक्स वाले भी आ गए, केमिस्ट्री वाले भी आ गए, बायोकेमिस्ट्री वाले भी आ गए, और इवन जेनेटिक्स वाले भी आ गए। तो इतने सारे डिसिप्लिन के लोग आए तब कहीं जाके ये काम हुआ है। हमने तो जस्ट चीज को ओनली दो क्लासेस में पढ़ के खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप इनके एक्सपेरिमेंट देखोगे ना, अगर आप उसको डिटेल में जाना चाहते हो कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, इतने सारे साइंटिस्ट ने, उन सबके तो यहाँ पे नाम भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर डिसिप्लिन के लोग आए और उन्होंने अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तब कहीं जाके ये मिस्ट्री सॉल्व हुई कि डीएनए से सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम दिया गया है जॉर्ज गैमो का। यहाँ पे उन्हें तीन ही साइंटिस्ट के नाम है, चार के नाम है, तो वो आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले है जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो कौन थे, एक फिजिक्स थे, और इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था ये वाला कि अगर हमारे पास चार ही नाइट्रोजनस बेस हैं और अगर वो कोड कर रहे हैं 20-6 को, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कोडोन क्या है, सिंगलेट नहीं हो सकता है। और इसमें ना एक मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि जो कोडोन है कि वो चाइनीज लैंग्वेज तो है नहीं, मतलब मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था कि चाइनीज लैंग्वेज में क्या है कि वहाँ पे हर एक वर्ड का, मतलब हर एक अल्फाबेट का वर्ड होता है, पता आपको? मुझे नहीं पता था इसके बारे में। जैसे मान लेते कि ए लिखा है, तो हमारे लिए ए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ए अल्फाबेट का भी, इसका भी एक पूरा का उसका, मतलब इसका इसका कुछ मीनिंग है। तो उसमें ये लिखा गया था कि अगर हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेस है, ये चाइनीज वो तो है नहीं कि मतलब जो हमारे पास क्या है कि जिसका हर एक सबका एक मीनिंग हो, नहीं, अगर मीनिंग होगा भी तो भी यहाँ पे फोर ही पॉसिबल केस बनेंगे। तो जॉर्ज गैमो ने ये कहा कि हमारे पास इसका मतलब क्या है कि कोड शुड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। वो किसका बना होगा, जो जेनेटिक कोड है वो हमें वो हो सकता है कि पक्का वो बेस का ही बना हुआ है, मतलब कॉम्बिनेशन का बना हुआ है, तभी वो ये चार नाइट्रोजनस बेस 20 अमीनो एसिड को कोड कर पा रहे हैं। अगर सिंगलेट होना तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल दैट 20 अमीनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो प्लीज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जॉर्ज गैमो थे जिन्होंने ये बताया था कि कोड किसका बना होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड का। और उसमें इन्होंने कौन सा रूल चलाया था मैथमेटिक्स का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये हम इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम करके देख चुके हैं कि हमारे पास अगर कोडोन अगर ट्रिपलेट है तो कितने कोडोन जनरेट करता है, 64 कोडोन। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि फिर मल्टीपल कोडोन सेम ही अमीनो एसिड को रिपीट रिपीट उसको कोड कर रहा है, जेनेटिक मेनी कोडोन देन रिक्वायर्ड। अब इसके बाद इसका प्रूफ कि ऐसा जेनेटिक कोड हमारा ट्रिपलेट ही है, प्रूफ भी तो चाहिए ना, बोलने से क्या होता है। इतना तो चलो हमने इसको मैथमेटिक्स से निकाल लिया कि ठीक है, जॉर्ज गैमो ने कहा कि सिंगलेट भी पॉसिबल नहीं है, डबलेट भी पॉसिबल नहीं है, तो पक्का ट्रिपलेट होगा। अब इसके बाद ये इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं, अब ये प्रूफ करना कि कोडोन क्या है, ट्रिपलेट है, कैसा टास्क था, डॉन्टिंग क्या होता है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट। तो इसके लिए हरगोबिंद खुराना, से नाम से पता चला होगा इंडिया के ही है। तो यहाँ पे केमिकल मेथड डेवलप किया हरगोबिंद खुराना ने। तो प्लीज इसको नोट कर लो, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होगा, ये किसने बताया, जॉर्ज गैमो ने, उन्होंने कहा कि वो कॉम्बिनेशन में होगा। अब इसको प्रूफ करना है तो केमिकल मेथड किसने डेवलप किया, हरगोबिंद खुराना ने डेवलप किया, जिन्होंने क्या काम किया, सिंथेसाइज किया आरएनए के मॉलिक्यूल को विद अ डिफाइंड कॉम्बिनेशन। डिफाइंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि उन्होंने ऐसे, उनको पहले ही पता था, मान लेते कि हमारे पास mRNA पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स की प्रोडक्शन जानकी करवाई होगी। हां जी, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफाइंड कॉम्बिनेशन का मतलब है कि मान लेते हैं
उन्होंने ले लिया ए यू जी, उसके बाद देखा कि वहां से क्या माइनोसिट बन रहे हैं। तो ये काम किसने किया? हर गोविंद खुराना ने। प्लीज याद रखना, केमिकल मेथड को डेवलप करने वाले कौन थे? हर गोविंद खुराना, जिन्होंने क्या काम किया, वो इंस्ट्रूमेंटल। उन्होंने क्या चीज सिंथेसाइज किया? उन्होंने सिंथेसाइज किया आरएनए का मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अभी होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर क्या होता है? जैसे मान लेते एग्जांपल के तौर पे कि उन्होंने एक एमआरएनए बनाया, उस पूरे एमआरएनए पे यू 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 ये, और बाद में देखा कि इससे क्या माइनसिट बन रहा है। तो ये हो गया एमआरएनए, हो गया ना ये आरएनए का मॉलिक्यूल ये, लेकिन एक ही बेस का बना हुआ है पूरा का पूरा एमआरएनए, इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर नाम से पता चला जिसमें डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस, मान लेते हैं एयू होगा, एयू 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 इस तरीके से, इसको बोलते हैं कोपॉलीमर। तो इन्होंने दोनों बेस बनाए, होमोपॉलीमर भी बनाया और यहाँ पे कोपॉलीमर भी बनाया। इसके बाद ये भी यहाँ पे अद्भुत दो नाम हो गए, पहला नाम था जॉर्ज एमओ का, सेकंड नाम था हर गोविंद खुराना का, थर्ड नेम है मार्शल निरनबर्ग का। इन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया, इनके बारे में तो भी मैं आपको काफी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। तो मार्शल निरनबर्ग ने क्या काम किया, सेल फ्री सिस्टम बनाया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंड फाइनली हेल्प द को टू बी डेसिफर। अब उसके बाद अब इसका मीनिंग क्या है ना, ये आपको थोड़ा सा भी मैं बताऊंगी, इसको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी, इससे आपको समझ में उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट का नाम क्या है, मार्शल निरनबर्ग। इनके साथ एक और भी थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम बनाया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और बाद में किस चीज की हेल्प की, जो हमारा जेनेटिक कोड है उसको डेसिफर करने में इन्होंने हेल्प किया, मतलब उसको कन्वर्ट करने में। इसके बाद फोर्थ साइंटिस्ट का नाम है ये वाला सीवेरो ओकोवा, ये साइंटिस्ट का नाम ही है। लेकिन इन्होंने एक एंजाइम बनाया था, उस एंजाइम का नाम है पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। अब ये एंजाइम जो है वो बनाने वाले सीवेरो ओकोवा थे, इसी के बेसिस पे इन्होंने नाम दे दिया सीवेरो ओकोवा एंजाइम। ये भी एक केमिस्ट्री थे, तो ध्यान रखना ये एंजाइम है पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, लेकिन इस एंजाइम को किसने बनाया था, सीवेरो ओकोवा ने बनाया था, इसीलिए इस एंजाइम को हम सीवेरो ओकोवा एंजाइम भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या काम किया था, वॉज ऑल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग द आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अब ये सारी बातें क्या है, इसको मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी, एक मिनट, यहां तक आपको बस ओनली लास्ट के दो वाले ओनली क्या नाम था, मार्शल निरनबर्ग। कहां गई, ऐसे भी तो आपने स्ट्रक्चर लर्न तो नहीं किए ना माइनोसिट के, माइनोसिट के स्ट्रक्चर लर्न कर लिए, ये वाले, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में दे दी थी, मतलब जब हमने जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर किया था। आप ही ना देखे ना प्लस वन की वीडियोस, असीमता आपको ये नजर आ रहा है ऐसे, अच्छा आई रहा है ऐसे, जिसपे लिखा है एक्सपेरिमेंट और क्वेश्चन है व्हाट अमीनो एसिड्स आर स्पेसिफाइड बाय कोडोन कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ बेस, नजर आ रहा है आपको? ओके, ये बस थोड़ा सा मैं आपको तो बताना चाहता हूँ, एक्टिविटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा जो मार्शल निरनबर्ग है उनके बारे में बताना चाहती हूँ।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास ना ये है निरंबर, मार्स निरंबर, इनके साथ वही एक साइंटिस्ट और थे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये थे, क्या नाम है इनका, इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, उसके बाद साइंटिस्ट का नाम है मार्शल निरनबर्ग, और इनके साथ में एक और थे जिनका नाम है जॉन हेनरिच मिथिया, लेकिन एनसीईआरटी में ओनली मार्शल निरनबर्ग का ही नाम दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्लू उनको कब मिला था जेनेटिक कोड का, 1961। सोचो ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी भी की बात है। तो इन्होंने किसका यूज किया था, इन्होंने होमो पॉलीमर का यूज किया। अब थोड़ा सा आप ये जान लो पहले कि होमो पॉलीमर क्या होता है। जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे यूरासिल न्यूक्लियोटाइड लिया और इससे हम आर्टिफिशियल तरीके से mRNA बना रहे, और इस mRNA पे पूरे पे क्या इंफॉर्मेशन होगी, यू 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 है। अब पॉली यू आ गया ना, इसको उसको हम बोलते हैं होमो पॉलीमर। अब प्लीज ध्यान रखना, जब हमने इस यूरेसिल के न्यूक्लियोटाइड से mRNA बनाया, तो आप सबको पता है कि mRNA बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डीएनए के टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। जब भी हमें आरएनए बनाना होता है, हमें डीएनए की जरूरत पड़ती है, डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड, और वहां पे बनाने का काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज करता है। आरएनए पॉलीमरेज ही क्या काम करता है, डीएनए के टेम्पलेट को आरएनए के अंदर चेंज करता है सारा। मतलब अगर हम एक सार की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है फ्रॉम द डीएनए, और ये आरएनए पॉलीमरेज को हम एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये डीएनए के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस एंजाइम को देखिए, इस एंजाइम का नाम क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। अभी भी हमने यही एंजाइम पढ़ा था जिसका नाम है सिवेरो ओकोआ एंजाइम। ये वाला जो एंजाइम है ये पूरा काम करता है आरएनए पॉलीमरेज की तरफ, मतलब ये क्या कर सकता है, आरएनए का स्टैंड बना सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बिना डीएनए के स्टैंड के, मतलब ये इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, इसको डीएनए का स्टैंड नहीं चाहिए। और ये एंजाइम किसने बनाया था, सिवेरो ओकोआ ने बनाया था, इसीलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम को हम सिवेरो ओकोआ एंजाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यूरेसिल के न्यूक्लियोटाइड लिए, हमको ज्वाइन भी तो करना है ना, फॉस्फोराइज्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो हमने बात की थी वहां पे कि आरएनए पॉलीमरेज करता है। लेकिन जब इन्होंने काम किया यहाँ पे मार्शल निरनबर्ग, तो उन्होंने उस टाइम पे यहाँ पे क्या काम किया, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे होमो पॉलीमर बनाया। तो होमो पॉलीमर कैसे बनाया, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, क्या नाम है, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। प्लीज ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन, समझ आ गया, और ये भी समझ आ गया कि ये टेम्पलेट के बिना काम करता है, तो इंडिपेंडेंट मैनर में काम कर रहा है। बिल्कुल, ये नाम है पूरा एंजाइम का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो यूरासिल के न्यूक्लियोटाइड से इन्होंने क्या बना दिया, होमो पॉलीमर बनाया। अब यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि मार्स निरनबर्ग ने क्या काम किया, यही सारी ऐसी एक्टिविटी है, बट लेकिन थ्योरी से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्लू उनको कब मिला, 1961 में मिला। तो किस किस ने काम किया, मार्शल निरनबर्ग ने और जॉन हेनरिच मिथिया ने। इन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेटेड द क्रिएटिंग सिंथेटिक आरएनए। सिंथेटिक क्या होता है, आर्टिफिशियल आरएनए। अब इन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए बनाया किसका यूज करके, एक एंजाइम यूज किया, एंजाइम का नाम क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। अब इन्होंने आगे साफ साफ लिखा कि अनलाइक आरएनए पॉलीमरेज, मतलब पॉलीमरेज अनलाइक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, बिल्कुल, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर डिपेंड है, बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज डज नॉट रिक्वायर अ टेम्पलेट, इट रैंडमली लिंक टुगेदर बाय एनी आरएनए न्यूक्लियोटाइड दैट हैपन टू बी अवेलेबल, जो मिलेगा वह सिर्फ उसको रैंडमली वो जोड़ देगा। तो इन्होंने जो सबसे पहला सिंथेटिक एमआरएनए बनाया वो किसने बनाया था,
सबसे सॉरी किसने यूज किया था? निरनबाग्नी और मैथेई ने, और वो क्या था? होमोपॉलीमर आरएनए मॉलिक्यूल था, जो किसका बना हुआ था? ओनली सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और फॉर एग्जांपल बाय एडिंग द पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज टू अ सॉल्यूशन ऑफ द यूरासिल न्यूक्लियोटाइड। अब खुद ही सोचो यहाँ पे जो ये टेस्ट ट्यूब है इसको एक्टिविटी देख लो आप। जैसे आप ये वाला देखो, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया कि एक टेस्ट ट्यूब ली, और इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या डाल दिया? इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाल दिया ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, और बाद में उन्होंने यहाँ पे यूरासिल 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 ऐड कर दिया। इसको बाद में इनक्यूबेट किया, ट्रांसलेशन देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने यू 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 डाला था तो उनको क्या मिल गया वहां पे? फिनाइल एलानिन मिला। इसका इसके बाद इन्होंने ये वाली एक्टिविटी सबके लिए की। इन्होंने यहाँ पे ट्रिपल ए डाला, तो ए से क्या बनता है बताओ? अरे देखो लाइसिन, लाइसिन बनता है, तो इनको लाइसिन मिल गया। फिर इन्होंने यहाँ पे सी 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 डाला, उसे क्या बनता है? प्रोलिन बनता है। लेकिन जब इन्होंने जीजी डाला ना, इसमें थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आई, ये वाले सारे केस इनके सॉल्व हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने यहाँ पे सिंथेटिक आरएनए बनाया विद द हेल्प ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। लेकिन उस एंजाइम को बनाने वाले कौन है? सीवियर ओक्वा है। अब यहाँ पे सारी बातें वही लिखी गई है जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है ना, देखो इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, जो मैंने आपको बताया कि हम तो जस्ट ओनली इसको रीड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये पूरी एक्टिविटी देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे सारे अमाइनो एसिड्स इस तरीके से बना के देखे, इन्होंने सारे कॉम्बिनेशन बनाए, और बाद में इन्होंने यहाँ पे रेडियोएक्टिव लेबल भी किया। तो इनको यही पता चला कि यहाँ पे जब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जब इन्होंने बाद में कोई पॉलीमर का भी यूज किया जिसमें डिफरेंट, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स सारे मिल गए इनको। प्रोलिन मिल गया, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, टायरोसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन, फिनाइल एलानिन, एस्पारेटिक एसिड, ग्लूटामिन, ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड आपका मिथुनिन। तो इस तरीके से क्या इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म की। तो बस मेरा आपको बताने का थोड़ा सा मीनिंग बस ये वाला था कि लाइनें आपको समझ नहीं आनी थी इसके बिना। अब एक बार आप इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्शल निरबग ने क्या किया, सेल फ्री सिस्टम बनाया। मतलब सेल के अंदर उन्होंने एक्टिविटी नहीं की, उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर किया। किसके लिए किया? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर। उसके बाद कौन आते हैं? सीवेरो ओकुआ एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम है। नाम क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जो किसके लिए हेल्पफुल था? इन पॉलीमराइजिंग द आरएनए विद अ डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट मैनर, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। मतलब एंजाइम की हेल्प से आरएनए को बनाया। समझ आ गया? तो चार हमने यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पढ़े हैं। सबसे पहले था जॉर्ज एमो, फिर था हरगोविंद खुराना, थर्ड में आते हैं मार्शल निरनबर्ग, और थर्ड लास्ट में आते हैं सीवेरो ओकुआ, जिन्होंने एंजाइम बनाया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम बनाया था। तो हमारा ये जो कोडोन है वो हो चुका है। अब हमें यहाँ पे करने हैं म्यूटेशन केस। कि म्यूटेशन में ऐसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि म्यूटेशन अगर म्यूटेशन हो जाती है डीएनए के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो मेन हम यहाँ पे दो केस पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा पढ़ते हैं हम आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्लीज आपको ये सारे अमाइनो एसिड भी लर्न करने हैं। ऐसे मैं आपको काफी बार बोल चुकी हूँ कि प्लीज आप ये अमाइनो एसिड लर्न कर लो। अब देख सकते हो ये भी आपको पूरा लर्न हो गया। अब यहाँ पे ये वाला हमने पहले भी किया था, बस थोड़ा सा आज हमें रिवाइज करना है। ऐसे मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में काफी अच्छे तरीके से करवा दिया था, फिर भी मैंने कहा था कि जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे, उसके बाद हमें काफी आइडिया हो जाएगा उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। असीम था, आपको ये स्लाइड तो विजिबल है ना? म्यूटेशन वाला केस मिल गया।
ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि म्यूटेशन के बारे में, क्योंकि आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वहां पे म्यूटेशन ही है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ऊपर हेडिंग क्या है, म्यूटेशन एंड द जेनेटिक कोड। अगर डीएनए के अंदर कोई भी म्यूटेशन होता है तो वो फर्क हमें कहाँ पे नजर आता है, जो प्रोटीन बनी है उसके अंदर हमें वो सारा चीज देखने को मिल रहा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स एंड डीएनए आर द बेस्ट अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है, लास्ट टाइम भी बात की थी हमने कि जो हमारा डीएनए का सेगमेंट है वहां पर कुछ भी चेंज होना। चेंज कैसे हो सकता है, कोई भी चीज वहां पर ऐड हो सकती है, कोई भी चीज वहां पर डिलीट हो सकती है, और कोई भी चीज वहां पर सब्स्टिट्यूट हो सकती है, मतलब रिप्लेस हो सकती है। अब ऐड होगा, डिलीशन होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, तीनों की वजह से ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो जिसमें हम दो एग्जांपल करते हैं म्यूटेशन के, एक हम करते हैं पॉइंट म्यूटेशन का और सेकंड हम पढ़ते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉइंट म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। तो कहाँ गई हमारी स्लाइड, ये वाला। अब देखिए पॉइंट म्यूटेशन में हम किसका एग्जाम्पल करते हैं, हम एग्जाम्पल करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, ये आप यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन देख सकते हो, नॉर्मल आरबीसी है। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन की इसके अंदर चार चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। अब यहाँ पर जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से सफर करते हैं उनमें जो ये बीटा चेन है वहां पर प्रॉब्लम आती है। आप यहाँ पे देखिए ये वाइल्ड टाइप का बीटा ग्लोबिन डीएनए है, वाइल्ड टाइप का मतलब है ओरिजिनल और नॉर्मल टाइप। तो यहाँ पे देखिए पूरा 2 स्ट्रैंड दिए गए हैं डीएनए के। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एक मिनट ठीक है, तो यहाँ पे क्या है CT, ओके ठीक है, ये ऊपर वाला जो यहाँ पे नीचे वाला स्टैंड है ये कोडिंग स्टैंड दिया गया है, और ये जो ऊपर वाला है 3' to 5', ये हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड दिया गया है। तो टेम्पलेट स्टैंड ये हमारे ने बनाया था, देखो C का क्या होगा, G होगा, T का A होगा और C का G होगा। अब प्लीज ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा ये कम्प्लीट नहीं दिया गया है, लेकिन जब हमारे पास बीटा ग्लोबिन चेन बनती है तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल में CTC GAG बनाता है और बाद में ग्लूटामिक एसिड। ऐसे ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ को ज्यादा शॉर्ट में दिया है, बट फिर भी हम कर ही लेते हैं। ये वाला देखिए एनसीईआरटी वाला लास्ट, ये वाला डायग्राम ये देखिए, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जीन क्या होता है कि हमारे पास देखिए ये वाली ये बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की। तो बीटा चेन जो होती है उसकी फर्स्ट पोजिशन पे वैलिन होता है, सेकेंड पे हिस्टिडीन होता है, थर्ड पे ल्यूसिन, फोर्थ पे थ्रियोनिन, फिफ्थ पे प्रोलिन, सिक्स पे ग्लूटामिक एसिड और सेवंथ पे भी ग्लूटामिक एसिड। अब इस ग्लूटामिक एसिड को कोड करने वाला कौन होगा, mRNA के ऊपर कोडोन होगा, कोडोन कौन है, GAG है। अब GAG को कोड कौन कर रहा है, ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड जहां पे होता है CTC। तो ये हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है। लेकिन जो पर्सन सिकल सेल से सफर करता है, सिकल सेल एनीमिया से, उसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए CTC था ओनली, प्लीज ध्यान देना जो हमारा टी है टी ओनली ए से रिप्लेस हो गया है, बाकी दोनों सी वैसा ही है। टी क्या हो गया है, ए से रिप्लेस, मतलब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट हो गया है। टी किससे रिप्लेस हो गया है, ए से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा CTC था जब, तो CTC का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, GAG, लेकिन जब यहाँ पे CAC आ गया है तो CAC की जगह क्या आ जाएगा, GUG। अब GAG कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को एंड GUG कोड करता है वैलिन को। आप अपना वो
कोडोन वाला चार्ट देख सकते हो। आप सोचो ओनली वन बेस के रिप्लेस होने की वजह से इतना बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। जो हमारा हीमोग्लोबिन जिसकी शेप नॉर्मल थी, बाइकनकेव थी, वो हमारे पास यहाँ पे सिकल शेप का हो गया। और किसकी वजह से हुआ? ओनली वन नाइट्रोजनस बेस में चेंज होने की वजह से हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। का मतलब क्या है कि ओनली सिंगल जगह चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, जो सिक्स पोजीशन थी वहां पे ग्लूटामिक एसिड को किसने रिप्लेस कर दिया? वैलिन ने रिप्लेस कर दिया। तो यही हमारे पास सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल है, जो हमने यहाँ पे भी अभी देखा है। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में दिया गया है बस कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जो सिक्स पोजीशन होती है अमाइनो एसिड को, उसको कौन कोड करता है? जीजी कोड करता है, तो ग्लूटामिक एसिड बनता है। लेकिन जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से सफर करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो सिकल शेप का आरबीसी बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये ए है, उसको रिप्लेस कर दिया है टी ने। तो अगर टी आ गया यहाँ पे जी यू आ गया, तो जी ए जी को रिप्लेस कर दिया जी यू जी ने, और यहाँ पे वैलिन आ गया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा शेप ही चेंज हो जाती है। तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसके बाद सेकेंड हमने एग्जाम्पल किया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, ये भी हमने वहां पे काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, ध्यान रखना पॉइंट म्यूटेशन हुई है सब्स्टिट्यूशन की वजह से। और यहाँ पे जो पॉइंट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का रीजन होता है या तो डिलीशन या तो एडिशन, या तो कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है या कोई न्यूक्लियोटाइड वहां पे डिलीट हो गया। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास वाइल्ड टाइप का डीएनए है, इससे नॉर्मल एमआरएनए बनता है, नॉर्मल प्रोटीन्स बनती है। अब प्रोटीन कैसे बन गया, आप ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो कि एयूजी है तो नीचे मिथ्योनिन आ गया, एएजी आ गया तो लाइसिन आ गया, यूयू आ गया तो फेनिलएलानिन, एंड जीजीसी आ गया तो ग्लाइसिन आ गया, और यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया है यूएए, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गई है। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हाँ यहाँ पे ये वाला केस देखिए कि हमारे पास यही वाइल्ड टाइप का डीएनए हमने यहाँ पे लिया है। अब हमारे पास टीएसी था और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा ए आ गया डीएनए में, तो जब यहाँ पे एक्स्ट्रा ए आया, तो एक्स्ट्रा ए आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एयूजी बना और एयूजी के बाद क्या बन गया, यूएए। तो अमाइनो एसिड यहाँ पे कुछ और बनने चाहिए थे नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे देखिए मिथिलिन के बाद ट्रांसलेशन स्टॉप हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है, एक बार इंसर्शन की वजह से, एक बार डिलीशन की वजह से। ये तो चलो फिर भी इतना वो नहीं है, तो स्टॉप ही हो गया। आप आगे वाला केस देख सकते हो, ये वाला यहाँ पे हाँ मिसिंग हो गया है, मतलब डिलीट हो गया। ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास वाइल्ड टाइप का डीएनए, ये वाला वाइल्ड टाइप का था, नॉर्मल अमाइनो एसिड क्या बन रहे थे, मिथ्योनिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन और हमारे पास ग्लाइसिन। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि टीएसी, अगर आप ये वाला देखो पूरा का पूरा नॉर्मल वही है, लेकिन सीएए कहाँ पे गया, सीएए यही है ना ऊपर, सीएए ये वाला, यहाँ पे देखिए इस वाले पोजीशन पे सीएए के बाद क्या ऐड हो गया है, दोबारा ए ऐड हो गया, सॉरी मिसिंग हो गया, रियली सॉरी, डिलीट हो गया। तो डिलीट होने की वजह से क्या हुआ यहाँ पे, अब अभी भी हमने बात की थी कि जब भी हम जेनेटिक कोड को रीड करते हैं, हम कैसे करते हैं उसको, नो पंक्चुएशन, कॉमा लेस होता है वहां पे। तो जब यहाँ पे ए मिसिंग आ गया, तो हमारे पास जब यहाँ पे प्रोटीन बनी, तो मिथ्योनिन बना, लाइसिन बना, लेकिन देखो अब फिनाइलएलानिन बन रहा था नॉर्मल केस में, यहाँ पे ल्यूसिन बन रहा है, यहाँ पे ग्लाइसिन बन रहा था, यहाँ पे एलानिन बन रहा है, पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया है। तो इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो हमेशा एडिशन या डिलीशन की वजह से होती है। तो ये हमारे पास केस थे, आप यहाँ पे इसको पढ़ोगे ध्यान रखना, पॉइंट म्यूटेशन एग्जांपल आता है हमारे पास आपका सिकल सेल एनीमिया का। बस स्लाइड भी वहीं से क्लिक कर लेते हैं, वहां पे पूरा दिया है, यहाँ तो बहुत सारी पूरी एक्टिविटी दी गई है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास
म्यूटेशन और जेनेटिक कोड में क्या क्या यहाँ पे लिंक है। तो इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रीहेंड, इट मे बी रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन सो एज अ फंक्शन। सबसे पहले एग्जाम्पल आता है पॉइंट म्यूटेशन का। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या आता है, सिकल सेल एनीमिया, जब किस में चेंज आता है, सिंगल बेस पेयर में, ओनली वन पेयर के अंदर चेंज होता है इन द जीन फॉर द बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट इन चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। और हमारे पास कौन सी डिजीज हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया। तो ध्यान रखना पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, जहां पर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, बीटा ग्लोबिन चेन में क्या प्रॉब्लम आती है, ग्लूटामेट को रिप्लेस कर देता है वैलिन। उसके बाद सेकेंड आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेस, या तो एक एक से ज्यादा, या तो इंसर्ट हो गया है या डिलीट हो गया, जिसकी वजह से क्या चेंज हो जाता है, रीडिंग फ्रेम फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, जहां पे भी इंसर्ट हुआ था जहां पर डिलीट हुआ था। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल बेसिस, insert or delete the one or multiple codon and reading frame remains unaltered from point onward। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास तीन न्यूक्लियोटाइड, जैसे मान लेते हैं ACG, बीच में ही या तो डिलीट हुए या एड हुए, तो उसकी वजह से वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक ही अमीनो एसिड के अंदर फर्क आएगा। लेकिन अगर हमारे पास टू नाइट्रोजनस बेस एड हुए या डिलीट हुए, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। समझ आ रहा है, अगर थ्री हो गए फिर तो वो डायरेक्टली वहां पे माइनस को कोड कर देगा, तो पहले वाला और बाद वाला, हाँ, तो वहां पे कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर इंसर्शन और डिलीशन किसका हो रहा है, थ्री का हो रहा है, और इट्स मल्टीपल बेस, इंसर्ट और डिलीट वन और मल्टीपल कोडोन, हेंस वन और मल्टीपल कोडोन रीडिंग फ्रेम रिमेंस अनऑल्टर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑनवर्ड्स, सच म्यूटेशन आर रेफर्ड टू अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो इंसर्शन और डिलीशन की वजह से होती है। सो दिस फॉर्म द जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रूफ दैट कोडोन इज अ ट्रिपलेट एंड इट इज रीड इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर, क्योंकि अगर हम उसको कॉन्टिन्यूस मैनर में रीड नहीं करते तो कभी कोई प्रॉब्लम आती ही, तब कभी कोई म्यूटेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का, हमने जेनेटिक कोड वाला पार्ट आपका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आपको कोई डाउट है यहाँ पे? बताइए सीमता, अब रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने जो जो चीजें की। जल्दी से आप मुझे एक काम कीजिए, आप जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज बताइए जो आज हमने की, और सबके, क्योंकि अभी 2 मिनट्स रह गए तो तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमने साइलेंट फीचर्स किए थे जेनेटिक कोड के, वो उनके आप बताइए क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे AUG मैक्सिमम तो करती है, और ओवरलैप नहीं करता। हाँ जी, ओवरलैप नहीं करता, और डीजेनरेसी का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक को एक है मल्टीपल मोर देन वन को वो कोड कर सकते हैं, जो ये कोड होते हैं मोर देन वन अमीनो एसिड को कोड कर उसको बोलते हैं डीजेनरेसी। अच्छा, जो ये एंजाइम है सिवेरो ओकोआ एंजाइम, इसका नाम बताइए। बताइए असीमता, एंजाइम का नाम क्या है सिवेरो ओकोआ एंजाइम का? मैम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। हाँ जी, नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम।
अच्छा केमिकल मेथड किसने डेवलप किया था जिसकी हेल्प से उन्होंने आरएनए बनाया था, उनका नाम क्या है? इंडिया के थे, खुराना नाम था उनका, नाम है हर गोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, यस। ठीक है सिंधा, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।